हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर बिजनेस स्टडी के ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पहले ही बिजनेस स्टडी में फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के प्रकृति एवं महत्व के विषय में अध्याय को पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने वी के पब्लिकेशन की आर के सिंगला की बुक को पढ़ा है और उसके प्रश्नोत्तर को भी समझने का प्रयास किया। एक बार पुनः आपको उसी चैप्टर के संबंध में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे देखकर समझ पाएंगे। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि यहां पर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई गई है वह अंग्रेजी में दी गई है और आप इसको पढ़कर और मेरे द्वारा से समझाने के आधार पर समझने की स्थिति में जरूर पहुँचेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। प्रबंध एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है यानी इसको पूरी दुनिया में मान्यता प्रदान की गई है। इसे प्रत्येक संगठन जो लाभ कमाता हो या न कमाता हो उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। ये सभी सेक्टर के ऊपर लागू किया जाता है, चाहे वे उत्पादन कार्य से संबंधित हो या सेवा कार्य से संबंधित हो। एक संगठन की सफलता के लिए आवश्यक जितने भी बिंदु होते हैं वे इसमें समाहित होते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, इसका महत्व किस प्रकार से कि यदि किसी सरकार में से कोई प्रधानमंत्री न हो, वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था न हो और कोई कानूनी बंदिशें न हो तो वो देश की स्थिति क्या हो सकती है। इसी प्रकार से अगर किसी संगठन में प्रबंध न हो तो उसकी क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। अब है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन ईच विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। यहाँ पर एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने संगठनों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, उनकी व्यवस्था बनाना इसके अंतर्गत आता है, जिसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इन्हें प्रभावपूर्णता और कुशलता कहा जाता है। मैनेजमेंट के अंतर्गत तीन बातें शामिल की जाती हैं इसके तत्वों में। प्रबंध के तीन तत्व हैं। पहला, ये एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट में कुशल निष्पादन को महत्व दिया जाता है और इसमें कुशलता का भी महत्व होता है। इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावपूर्णता का अर्थ होता है अपने लक्ष्यों को समय पर किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पर अर्जित करना, जबकि कुशलता यानी एफिशिएंसी का अर्थ है न्यूनतम लागत पर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसके बाद में प्रबंध की विशेषताओं में, प्रबंध एक लक्ष्य आधारित प्रक्रिया होती है, ये सभी जगह मान्य होती है, पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जाता है। प्रबंध बहुआयामी होती है जिसमें कि कार्यों का भी प्रबंध किया जाता है और लोगों का भी प्रबंध किया जाता है। यह एक निरंतर चलते रहने वाली क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है और ये एक अदृश्य शक्ति भी होती है। इसके बाद में प्रबंध के उद्देश्य, तो प्रबंध के तीन उद्देश्य होते हैं। संगठन संबंधी उद्देश्य जिसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सामाजिक उद्देश्य, और तीसरा है पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत उद्देश्यों को बताया गया है। तो जिस प्रकार पिरामिड यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है संगठन संबंधित उद्देश्यों को और सबसे कम महत्व दिया जाता है निजी उद्देश्यों को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि संगठन संबंधी उद्देश्य क्या होते हैं। पहला है स्वयं को जीवित रखने का प्रयास करना, यानी संगठन का प्रयास होना चाहिए कि वो स्वयं को जिंदा रखने के लिए कार्य करे। दूसरा, लाभ कमाना, और तीसरा, निरंतर वृद्धि करना। इस प्रकार से संगठन के उद्देश्य होते हैं। इसके बाद में सामाजिक उद्देश्य, तो समाज को लाभान्वित करना सामाजिक उद्देश्य में आता है, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करना, रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करना, समाज के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की व्यवस्था करना, इसके साथ में समाज को अच्छी क्वालिटी के गुण न्यूनतम कीमतों या उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, कानून के सीमाओं के भीतर व्यवसाय का संचालन करना और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहना इसमें आता है। इसके अन्य व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य में चार बातें शामिल की जाती हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल नीड, जिसमें कि कर्मचारी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। सोशल नीड के अंतर्गत अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, जिससे कि समाज में वो गर्व के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके।
इसके बाद में आता है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें कर्मचारी ये चाहता है कि उसे अपने कैरियर में नई नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलना चाहिए, साथ ही अपने कैरियर में नए नए पोस्ट पर आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होना चाहिए। साथ ही वह चाहता है कि उसके कार्य की दशाएं अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक हों। इसके बाद में प्रबंध का महत्व। तो प्रबंध के द्वारा संगठन के सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। प्रबंध कुशलता को बढ़ाता है। प्रबंध एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, एक अच्छा संगठन का निर्माण करता है। प्रबंध के द्वारा व्यक्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है और प्रबंध समाज के विकास में भी सहायक होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति। तो प्रबंध को एक साइंस, एक आर्ट और एक प्रोफेशन के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एक साइंस के रूप में यानी विज्ञान के रूप में क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। तो सबसे पहला है, इसमें ज्ञान का एक क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह होना चाहिए। यह दूसरा बिंदु कि यह यह अपने अनुभवों और अवलोकन के द्वारा ज्ञात किया होना चाहिए। और तीसरा, इसकी सामाजिक वैधता पूरी दुनिया में होनी चाहिए। तो प्रबंध में भी इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट यानी कला के रूप में। तो कला के रूप में जब हम बात करते हैं तो यहाँ भी तीन बिंदुओं का होना आवश्यक है। यहाँ पर विषय का एक सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति के द्वारा इसका अपने ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए और ये अनुभव और कलात्मकता पर आधारित होना चाहिए। इसके बाद में है मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो प्रबंध एक पेशा माना जा सकता है यदि उसमें ये गुण पाए जाएं कि इसमें ज्ञान का एक व्यवस्थित समूह होना चाहिए। दूसरा, पेशेवर संगठन में प्रवेश पर रोक होनी चाहिए यानी प्रतिबंधित प्रवेश हो। जो लोग एक निर्धारित योग्यता प्राप्त करें उन्हें ही इसमें संगठन में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। प्रोफेशनल एसोसिएशन होना चाहिए यानी एक संगठन होना चाहिए। इसके बाद में कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि उन लोगों को कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं यानी नैतिकता के बारे में इसमें बताया जाना चाहिए। इस संगठन का उद्देश्य समाज सेवा होना चाहिए। इसके बाद में प्रबंध के स्तरों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रबंध के तीन स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन होते हैं, मिडिल लेवल में मार्केटिंग मैनेजर फाइनेंस मैनेजर होते हैं और फाइनेंस ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट को पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, अधीक्षक यानी सुपरिंटेंडेंट और फोरमैन को शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट में किस किस को शामिल करते हैं। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, सीईओ, सीओओ, सीएफओ और सीएमओ को शामिल किया जाता है। इनका कार्य है संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना, फर्म को जीवित रखने का प्रयास करना, संगठन के नीतियों और लक्ष्यों का निर्धारण करना, इनके द्वारा मेन मटेरियल मशीन और मनी की व्यवस्था भी की जाती है। इसके बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट के कार्य में आते हैं। इसमें प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और एचआर मैनेजर को शामिल किया जाता है। इनका कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य संबंध कायम करना। इनका कार्य है उच्च स्तर के द्वारा निर्धारित योजनाओं और नीतियों को परिभाषित करना या उनको व्याख्या करना। इसके अलावा ये नीतियों की व्याख्या भी करते हैं। इनके द्वारा आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों की, कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। ये लोगों को उनके कार्यों का और उत्तरदायित्वों का निर्धारण करते हैं। कर्मचारियों को प्रेरित करने का काम भी किया जाता है और विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य भी मध्य स्तरीय प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इसके बाद में निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य आते हैं। इन अधिकारियों में सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिंटेंडेंट और सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। इसके बाद में इनका कार्य है, इनका पहला कार्य है कर्मचारियों के कार्यों पर नज़र रखना, उनको निर्देश देना, कार्य की गुणवत्ता को उत्तम रहे इसकी व्यवस्था करना। इसके बाद में सामग्रियों के या श्रम के वेस्टेज को न्यूनतम करना, सुरक्षा मानकों का पालन कराना, कर्मचारियों में अनुशासन और लॉयल्टी को सुनिश्चित करना, वफादारी सुनिश्चित करना,
इसके अलावा उन्हें अभिप्रेरित करना और कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों को उच्च स्तरीय प्रबंधक तक पहुंचाना। इसके बाद में प्रबंध के कार्य, तो प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बारे में आगे के चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब आता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। तो समन्वय का कार्य अन्य कार्यों के समान होता है, जहाँ पर कि प्रबंध के जो 5 कार्य किए जा रहे हैं उनके बीच में तालमेल बनाना समन्वय के अंतर्गत आता है। इसे एक प्रबंध का एक अति विशिष्ट कार्य भी माना जाता है। इसके अंतर्गत संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य इस प्रकार से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है जो कि संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायक हो सके, और इसमें जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो संगठन के हित के लिए आवश्यक होते हैं पर की जाती हैं। अब इसके बाद में हम देख सकते हैं कि समन्वय का मैनेजमेंट के से किस प्रकार से समय थे। तो प्रबंध के 5 कार्य अभी हमने पढ़े, 5ों के साथ में इसका पर्याप्त जुड़ाव देखा जाता है। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन ए नीड एट ऑल लेवल्स। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, तीनों स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होती है। टॉप लेवल पर इंटीग्रेट एक्टिविटीज यानी संगठन में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में इंटीग्रेशन करना या एक रूपता लेकर आना, एकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल, लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना। इसके बाद में मिडिल लेवल में इंटीग्रेट एफर्ट्स यानी इसमें किए जाने वाले कार्यों या प्रयासों में व्यवस्था बनाकर एकजुटता लेकर आना, और लोअर लेवल पे कार्य है कोऑर्डिनेट विद वर्कर्स यानी कि कर्मचारियों के साथ में व्यवस्था बनाना, और लास्ट है इंश्योर दैट वर्क इज डन, ये सुनिश्चित करना कि कार्य पूर्ण हो गया है। इसके बाद में है नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। और लास्ट है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय के महत्व को समझाइए। तो हर साल परीक्षा में ये इसके बारे में जरूर प्रश्न आता है। तो इसके अंतर्गत हम संगठन के आकार में वृद्धि का प्रयास करते हैं, अगर संगठन में व्यवस्था बन जाती है और समन्वय स्थापित होता है तो उसके लाभ में वृद्धि होती है, उसके आकार में वृद्धि होती है, उसके कार्यों में वृद्धि होती है, नए नए किस्म के कार्य शुरू किए जाते हैं और विशिष्टीकरण को भी महत्व दिया जाता है। धन्यवाद।